प्रिया बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है गया जिले के जाने माने यूट्यूबर, एंटरटेनमेंट सेक्शन में जिन्हें आप बहुत मशहूर कह सकते हैं, रिच फकीर, जिनका हाल ही में एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसके बारे में आपने शायद सुना होगा या आपने देखा होगा, जिसका नाम लेमचूस भोज था। और आज हम उन्हीं से बात करने वाले हैं उनके यूट्यूब के सफर के बारे में, कैसे उन्होंने अब तक का सफर तय किया, क्या क्या परेशानियां सामने आई, आगे क्या क्या चुनौतियां हैं जिन्हें उन्हें पूरा करना है, इन सब के बारे में आज हम उनसे बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। तो जो आपने YouTube बनाया, इसके पीछे पहले तो आप अपने चैनल के बारे में बताइए। ठीक है, जो हमारा चैनल है रिच फकीर, वो बेसिकली कॉमेडी पे बेस्ड है। जैसे हम लोग बस कॉमेडी वीडियो ही बनाते हैं और इंटरटेनमेंट ही हमारा पर्पस है, क्योंकि मतलब दिन भर लोग बिजी रहते हैं अपने काम में और स्ट्रेस रहते हैं, तो हम लोग उनको इंटरटेन करते हैं और कॉमेडी मतलब वीडियो बना के उनको और हैप्पी रखते हैं कि वो अपने स्ट्रेस से दूर है। ये मतलब हम लोग का मोटो है जी। तो बेशक, क्योंकि अगर YouTube चैनल अगर आप शुरू कर रहे हैं तो सफर आसान नहीं होता, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत आज से 4 साल पहले हुई थी। तो जब मैं उस समय जब एक वीडियो देखा था मैंने आशीष संचलानी सर का, तो जब उनका मैंने देखा बीवीके वाइन सर का, जब भुवन वापस सर का वीडियो देखा मैंने, तो मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ, मुझे लगा कि मैं भी बना सकता हूँ। तो मैंने मजाक में ही एक वीडियो बनाया और कुछ फ्रेंड्स को दिया, भेजा वीडियो, बहुत उन लोगों ने तारीफ किया, क्या था वीडियो, सही होगा नहीं होगा, पर फ्रेंड्स सपोर्ट किए। तो मैंने एक चैनल बना दिया SG की वाइंस, उसके बाद लेटर मैंने उस नाम को चेंज किया रिच फकीर, और फिर 4 साल बाद आज मैं यहाँ हूँ जी। तो चैनल का नाम जैसा आपने बताया रिच फकीर है, इसके पीछे की क्या कहानी है? रिच फकीर का कुछ ऐसा है कि जब SG के वाइंस का था तो वो थोड़ा थोड़ा बीवी की वाइंस से थोड़ा कॉपी लग रहा था, तो मैंने सोचा कि इसका नाम थोड़ा अपडेट करना चाहिए, तो कॉपी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं और मेरी टीम बैठे और बहुत से बात निकले कि क्या नेम रखना चाहिए। तो फिर ऐसे जैसे हम लोग खुद में रिलेट किए कि हम लोग हैं मतलब फकीर, लेकिन ड्रीम है रिच होने का, तो वैसे ही रिच फकीर हुआ, तो फिर ये नाम इनोवेट हो गया जी। तो जैसा आपने बताया कि चैनल की शुरुआत हो गई, पहला वीडियो आपने डाल दिया, लेकिन मोटिवेशन क्या रहा YouTube पर जाना है, इस बात का मोटिवेशन कहाँ से मिला आपको? देखिए, मोटिवेशन तो मैंने स्टार्ट किया था बस ऐसे ही मजाक में चैनल स्टार्ट कर दिया था, और उस समय मोटिवेशन के नाम पे तो आज से 4 साल पहले ना कोई मोटिवेशन था, ना कोई सपोर्ट था, ना गवर्नमेंट से सपोर्ट, ना फैमिली से सपोर्ट, और जो मैं जहाँ से रहने आया हूँ ना वहाँ कोई यूट्यूबर थे वैसे जिनसे मैं इंस्पायर होता। तो मैं अपने मेंटर बड़े आदमी कोई बनारसी चलाने में तो वहीं सर को देखा और मैं मोटिवेट हुआ, बाकी सपोर्ट तो नहीं था और ना मोटिवेशन था, खुद में ही सेल्फ मोटिवेटेड हुआ और आगे और वीडियो बनाया, लोगों ने पसंद किया तो आगे और मैं वीडियो बनाता गया जी। जैसा कि आपने बताया कि आप गया जिले से बिलोंग करते हैं और गया जिला वैसे बहुत मशहूर है, वहाँ पर बहुत सारे पर्यटन स्थल है जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, लेकिन बतौर यूट्यूबर एक छोटे से फैमिली से निकलना कितना मुश्किल रहा? एक छोटे से फैमिली से निकलना कहीं तो एक मिडिल क्लास फैमिली से, कोई जैसे कि अगर एजुकेशन छोड़ कोई और फील्ड में जाता है तो ऑब्वियसली बात है कि फैमिली परमिट नहीं देते हैं, तो ये फेस तो करना ही पड़ता है, और ना एनवायरमेंट सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जब मैं शुरू वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो मतलब एज ए आप एक्टर हैं तो आपको गर्ल्स का भी रोल प्ले करना पड़ेगा और बॉयज़ का भी, तो जब गर्ल्स का रोल प्ले करता था तो बहुत चिड़काते थे, मजाक भी बनाते थे, तो फिर फैमिली भी देखते थे कि क्या कैमरा लेके दिन भर घूमते रहता है, तो उस सपोर्ट था नहीं, ना एनवायरमेंट से, ना फ्रेंड्स से, ना फैमिली से। बट लेटर दिस जब मैं 1-2 साल कड़ी मेहनत करते गया, वीडियो अपलोड करते गया, तो फैमिली को लगा कि नहीं लौंडा पढ़ाई भी कर ही रहा है और एक्टिंग वगैरह में भी इसका है शौक, स्किल है और लोग पसंद करते हैं, तो फिर फैमिली ने सपोर्ट किया, खास करके मेरे बड़े भैया ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, पापा ने बहुत सपोर्ट किया, तो आज मैं जो भी हूँ तो बस मैं अपनी आज भैया के कारण हूँ, आज अपने माँ बाप के कारण हूँ और मेरी एक टीम है उसी के कारण हूँ आज मैं जी। तो जैसा कि आपने टीम का जिक्र किया, कौन कौन है आपकी टीम में? मेरे टीम में एक कैमरामैन है जिनका नाम राजशेखर है, और एक एडिटर है जिसका नाम निकेत है, और एक मेरा मैनेज करते हैं उनका नाम समीर है, और कास्ट में अमरेश है और ऋषभ है, तो इन लोग मेरे और विक्की हैं। मतलब हमेशा कहिए तो मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन ये मेरे लिए हमेशा स्टैंड लेते थे और हमेशा हर वीडियो में रहते थे, विदाउट एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी ग्रीड, हमेशा मेरा साथ देते थे। तो आज मैं जहाँ भी हूँ, जो भी हूँ, बस मैं अपनी टीम के कारण हूँ, आज मैं भैया के कारण बस।
तो ये रही टीम की बात, और क्योंकि 4 साल का बहुत लंबा सफर रहा है आपका, तो ऐसे में कभी ये नहीं लगा कि YouTube छोड़ देना चाहिए, शायद गलत फील्ड में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, इन लोगों को इन्वॉल्व कर रखा है, ऐसा कभी लगा नहीं? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ऐसा तो जैसे कि मुझे पल पल लगा था जब वीडियो डाल रहा था, और कॉम्पिटिशन इतने थे कि मेरे व्यूज 100 भी क्रॉस नहीं होते थे, 200 भी क्रॉस नहीं होते थे। मतलब मैं तो रोड पे निकलता था और बोलता था भाई चैनल सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों को कॉल करके बोलता था कि भाई वीडियो शेयर कर दो और स्क्रीनशॉट दो। फिर भी जब मैं देखा कि मेरे बहुत अटेम्प्ट के बाद 10 वीडियो 20 वीडियो 30 वीडियो जब मैंने बना लिया, फिर भी 1K व्यू भी क्रॉस नहीं होता था, तो हमेशा डिमोटिवेशन होता था, क्या मैं गलत फील्ड में तो नहीं आ गया, क्या पता मुझे कुछ और करना चाहिए था, कुछ और करना चाहिए था। बट भैया हमेशा मेरे साथ थे, और उनसे जब भी मैं पूछता था तो बोलते थे कि देख समय लगेगा तुमको, और हमको तुम पे बस भरोसा है और तुम्हारी एक्टिंग पे भरोसा है, और जरूर तुम एक दिन बहुत फेमस होगे और वीडियो भी वायरल होगा। और उसके कुछ मंथ बाद ही वीडियो वायरल हुआ और काफी प्यार मिला, मिलियंस ऑफ व्यूज हुए और लाख ऑफ सब्सक्राइबर्स हुए, और बहुत आज बिहार में और जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ मेरा नाम है। और तो जैसे वीडियो वायरल होने की आपने बात कही है, तो कौन सा ऐसा वीडियो था जहाँ से आपको ब्रेक मिला कि नहीं, इसके बाद से जो है आगे मेरा YouTube करियर जो है बूस्ट करेगा? जी, तो बात थी जब हमने हिंदी में बहुत बड़ी वीडियो बना रहा, 3 साल से मैं मेहनत कर रहा था और बस हिंदी में ही वीडियो बनाते जा रहा था। लेकिन लेटर दिस मैंने ये रियलाइज किया कि जब मैं बिहारी हूँ तो मगही लैंग्वेज में, बिहारी लैंग्वेज में वीडियो क्यों नहीं बना सकता हूँ। तो मैंने एक वीडियो बनाया, तो बहुत लोगों ने कहा मुझे कि भाई बिहारी लैंग्वेज मत बोलो, ये बहुत आउटडेटेड है, तो देहाती टाइप का है तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मैं हमेशा से बिहारी लैंग्वेज में प्राउड करता था, और मैंने सोचा भी कि जब हरियाणवी लैंग्वेज में मतलब हरियाणा का सॉन्ग बजता है और बिलियंस ऑफ व्यू जा रहे हैं, पंजाबी व्यू जा रहे हैं, तो फिर बिहारी में क्या दिक्कत है। तो मैं अपने लैंग्वेज को सपोर्ट किया, और लेटर दिस मैंने एक वीडियो बनाया था लेडीज के ऊपर कि बिहारी लेडीज मतलब अपने अपने में क्या क्या बात करती हैं, और जब बैठती हैं तो कैसा कैसा है, समझा करती हैं, तो वही मगही लैंग्वेज में बनाया। तो बहुत मुझे प्यार मिला और बहुत वीडियो पे अच्छे अच्छे कमेंट्स आने लगे, तो मुझे पता चल गया कि भाई मगही लैंग्वेज बहुत अच्छा है, और मगही में बहुत सपोर्ट मिला मुझे, तो मुझे मोटिवेशन मिला और मैं मगही में वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। तो हाईएस्ट व्यूज अब तक आपके चैनल पे कौन मतलब कितना गया किसी पर्टिकुलर वीडियो पे? अबाउट 3 मिलियन वीडियो पे गया है। okay. और आपके सब्सक्राइबर्स टोटल 1 लाख है। जी 1 लाख प्लस है। जी, तो मतलब गया से निकलना और इस तरीके से किसी एक मुकाम को छूना, 1 लाख सब्सक्राइबर बतौर यूट्यूबर एक बहुत बड़ी बात है, जिसके बाद आप एक सिल्वर बटन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो रास्ते आपके खुल जाते हैं। तो ऐसे में अगर जो यूट्यूबर है जो आने वाले समय में जो यूट्यूब में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको कुछ इंटरेस्ट है एक्स्ट्रा पार्टिकुलर एक्टिविटीज में स्टडी के अलावा या स्टडी से रिलेटेड भी, तो आपके पास अगर कोई भी स्किल है या आपका इंटरेस्ट है डांसिंग स्टडी या फिर किसी भी एक्स्ट्रा पार्टिकुलर करिकुलम में, तो आप मतलब यूट्यूब पे अपना वीडियो अपलोड करें, आप थोड़ा बहुत इंटरटेन भी आदमी को कर पाएंगे और इससे आपका फ्यूचर भी मतलब स्टेबल हो सकता है। तो अपने तो तभी आना चाहिए चैनल पे यार। तो पहले तो यार जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पहले आप पढ़ाई कैरी ऑन रखिए, उसके बाद आप एक YouTube चैनल खोलिए, अपना कुछ इंटरेस्ट है तो उसमें आगे के लिए। लेकिन आप उसको मतलब शुरू से ही मान के मत चलिए कि मतलब हमको यूट्यूबर बनना है, क्योंकि भाई YouTube में बहुत फेलियर आते हैं, बहुत दिक्कत आएगा, तो कहीं ना कहीं आपको वो सब झेलना पड़ेगा। और अगर आप पढ़ाई या कोई वैसा चीज कर रहे हैं जिसको आप छोड़ चुके हैं, तो आपको फिर रिग्रेट होगा कि मैंने वो छोड़ा क्यों। तो आपको पहले तो पार्ट टाइम लेके चलना चाहिए यूट्यूब, और अगर अच्छा खासा इनकम स्टार्ट हो गया और लोग आपको जान रहे हैं, बहुत आपको पॉपुलैरिटी मिल गई है, तब आपको यूट्यूब पे फुल टाइम होना चाहिए। जी, तो अब जैसे यूट्यूब की बात हो ही रही है, तो टोटल इनकम जो एक बहुत एक सवाल होता है बहुत लोगों के मन में कि अगर यूट्यूब पे आ रहे तो मेरी कमाई कितनी होगी वहां से, वो कितनी है? ठीक है, टोटल इनकम तो बस इतना से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बस मैं आप आज के डेट में हर मंथ एक 5G फोन ले सकता हूँ। ओके जी, तो जितने भी व्यूअर्स हैं जो यूट्यूब पर अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो पेशेंस अगर रखे तो हो सकता है कि आप भी हर महीने 5G फोन जो है वो खरीद सके। तो आगे बढ़ते हैं, जो आगे जो क्योंकि अब यहाँ तक आपका सफर हो गया, 1 लाख सब्सक्राइबर आपके पूरे हो गए, एक माइलस्टोन आपने जो है वो अचीव कर लिया है, अब आगे की क्या प्लानिंग है आपके? आगे मेरी प्लानिंग है कि मैं अब थोड़ा अपने एनवायरनमेंट से निकलूंगा, क्योंकि जहाँ एनवायरनमेंट था मेरा वो ग्रोइंग नहीं था,
बट वो पहले की बात थी। अब तो जैसे कि जब मैं बढ़ा और मुझे सबने देखा कि नहीं भाई ये भी YouTube में कुछ कर सकते हैं, तो मानपुर में गया में बहुत सारे YouTube चैनल खुलने लगे और YouTube पे सपोर्ट भी मिलने लगा, फैमिली का सपोर्ट भी मिलने लगा। तो अब मैं थोड़ा पटना सेटल होने का सोच रहा हूँ और फिर इधर से अपनी टीम और बढ़ाऊंगा और फिर यूट्यूब पे और तेजी से ग्रो करूंगा। यानी कि अब यूट्यूब को आप फुल टाइम करियर लेकर के आगे बढ़ने वाले हैं और इसी चैनल को आगे बढ़ाने वाले हैं। जी, अगर आपने बताया हमें लिंक चूस भोज के बारे में जो काफी ज्यादा वायरल हुआ था, तो इस वीडियो में ऐसा क्या था जिसकी वजह से इसने इतने सारे लोगों का टेंशन खींचा? जी, तो जो लिमचूस भोज मैंने बनाया था, तो पहली बात की मगही लैंग्वेज में था तो मुझे मगध का, बिहार का बहुत सपोर्ट मिला, और दूसरी बात की वो बहुत रिलेटेबल था, जिसने भी देखा बहुत हंसा और कहा कहीं ना कहीं कि भाई मैं भी ऐसा फील किया हूँ। और जो वो वीडियो था जिसमें एक सीन हुआ था वायरल, जैसे कि भोज खाते समय जो गांव के कुछ लोग होते हैं, लेडीज होते हैं, तो वो मतलब पूरी या सब्जी जो भी रहता है तो वो छुपा लेती हैं और बोलती हैं कि हाय पप्पा हमको नहीं मिला पूरी, तो वो बहुत वायरल हुआ था। उसका एक शॉर्ट क्लिप मैंने बना के अपलोड किया था तो वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था और लोगों ने बहुत उसे पसंद किया था, तो इसी कारण वो वीडियो और ज्यादा वायरल हुआ क्योंकि उसमें बहुत रिलेटेबल था। तो अच्छा, आपके अनुसार ये जो चीज है एंटरटेनमेंट में वीडियो बनाना, कॉमेडी में वीडियो बनाना, बाकी सारे कंटेंट से कितना मुश्किल है? कॉमेडी में वीडियो बनाना तो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इधर आपको अपना खुद का टेंशन, आपके फैमिली का टेंशन, प्रेशर, स्ट्रेस, अपने पढ़ाई को संभालना, घर के काम को संभालना, मिडिल क्लास फैमिली का थोड़ा बॉय लोग का यही दिक्कत होता है, घर भी संभालना, स्टडी भी संभालना है, शॉप भी संभालना है, तो ये सब संभालते हुए भी आपको जब एक्ट करने का जब रहेगा कॉमेडी एक्ट, तो आपको कुछ ऐसा एक्ट करना है कि आप रियल में फनी हो, आपको ऐसा एक्सप्रेशन देना पड़ता है कि आप मतलब किसी को हंसा सको। तो पहले तो अपने स्ट्रेस और अपने प्रेशर को काम डाउन करना पड़ता है, उसके बाद आपको फुल प्रिपेयर्ड होके एक्टिंग करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप एंग्री सीन कर रहे हैं तो कोई भी आज के डेट में एंग्री सीन कर सकते हैं या एक्शन सीन कर सकते हैं, बट एज ए कॉमेडी वो अंदर से निकलता है किसी को हंसाने के लिए, और अगर आपकी कॉमेडीज कोई हंस नहीं रहे, इट मीन्स आपको वो कॉमेडी पसंद नहीं आया या आपको और मेहनत, तो फिर और मेहनत करना पड़ता है। तो यानी कि कॉमेडी जो है बाकी सारे फील्ड अगर स्ट्रीम में हम देखें तो उससे ज्यादा डिफिकल्ट है कॉमेडी में वीडियोस बनाना। As I think. तो जैसा कि बात YouTube की हो रही है, तो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो अगर YouTube बनना चाहते हैं, तो एक कामयाब YouTuber बनने के लिए वो कौन-कौन से स्टेप्स को फॉलो करें? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं बहुत पहले से सोच रहा था और मतलब मैं हमेशा फेस करता हूँ, जब भी मुझे कोई DM करते हैं और बोलते हैं कि भाई मुझे आपके चैनल में रहना है, मुझे आपके चैनल में रहना है, आपके वीडियो में रहना है, तो मैं सबको यही बोलता हूँ कि भाई मेरे चैनल में वीडियो में रहने से अच्छा है आप अपना चैनल क्रिएट कीजिए और आप अपना वीडियो बनाइए। लेकिन कहीं ना कहीं आदमी डिमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं हम कैसे करें, मेरे पास तो DSLR कैमरा भी नहीं है, एसेसरीज भी नहीं है। तो मैं तो यार पहले कहना चाहता हूँ कि जब मैं स्टार्ट किया था यूट्यूब चैनल पे, जब मैं आया था तो मेरे पास बस एक मोबाइल था जिसमें अच्छा कैमरा भी नहीं था और DSLR वगैरह तो उससे मैं मतलब किसी से मैं मांग भी नहीं सकता था। तो मैं जहां से था मुझे जो मिला, मैं मोबाइल के गंदे कैमरे से ही स्टार्ट किया, बस मेरा वो मतलब स्टार्टिंग था, कैसे भी स्टार्ट हुआ, लेकिन आज मैं क्वालिटी वीडियो बनाता हूँ। तो इससे ये सीख आपको लेनी चाहिए कि आप पहले स्टार्ट कीजिए, इम्प्रूव मतलब परफेक्ट मोमेंट के लिए आप वेट मत कीजिए, एक मोमेंट पर पकड़िए और उसी को परफेक्ट कीजिए। और मैं सेकंड टिप्स ये देना चाहूंगा कि आप अपने स्टडी या आप जो भी एक्स्ट्रा करिकुलम कर रहे हैं, मतलब आप फ्यूचर से रिलेटेड जॉब या स्टडी कुछ भी कर रहे हैं, तो आप उसको कंटिन्यू रखिए, ऐसा नहीं उसको छोड़ के आप कुछ मतलब डायरेक्ट यूट्यूब पे आ जाए तो वो आपके लिए वर्स्ट हो जाएगा। तो आप और सबसे बड़ी बात कि पेशेंस रखें, यूट्यूबर को सबसे बड़ी बात यार उसका की बस एक ही है, पेशेंस और कंसिस्टेंसी। अगर आप पेशेंस रखेंगे और अपने काम को और अच्छे से करेंगे, पूरी ईमानदारी से करेंगे, तो आप जरूर एक दिन सक्सेसफुल होंगे। तो ये तीन बात तो यार जरूर आपको मतलब ध्यान में रख के चलने चाहिए। जी, यानी कि कंसिस्टेंट होना है और ये नहीं सोचना कि आपके पास इक्विपमेंट्स है या नहीं, आप नॉर्मल मोबाइल फोन से भी यूज कर अपना वीडियोस बना सकते हैं, अपने व्यूज ले सकते हैं। और अगर हम बात करें इन चीजों के बारे में कि अगर यूट्यूब अगर आप शुरू कर रहे हैं, आगे आपका जो टारगेट होगा 1 मिलियन हिट करना होगा, उसके आगे फिर और ज्यादा चीजों को हिट करना होगा, तो उसके लिए क्या अभी इस पॉइंट पर आपके घर से पूरी तरीके से सपोर्ट मिल रहा है या आपके टीम मेंबर्स जो है वो पूरी जी? जैसे फैमिली तो स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं करते थे, बट लेटर दिस 1 ईयर 2 ईयर
लेटर फैमिली जब वीडियो देखें और जब आसपास के लोग भी बोले कि हाँ आपका बच्चा कुछ कर रहा है अच्छा, उनको सपोर्ट कीजिए और फैमिली को भी लगा कि कुछ करेगा, तो फैमिली सपोर्ट फुल करते हैं। और जब 1 लाख का माइलस्टोन हमने कंप्लीट किया तो फैमिली बहुत खुश थे और पूछे कि आगे और क्या करना है, तो मैंने उन्हें और माइलस्टोन बताया कि ये मुझे और करना है, तो फैमिली तरफ से फुल सपोर्ट है मुझे और टीम की तरफ से भी मुझे को फुल सपोर्ट है। तो ये सोसाइटी बैरियर तोड़ने में कितना टाइम लगा, क्योंकि ऑफ कोर्स सोसाइटी जो है आपको वो सपोर्ट नहीं करती है शुरू शुरू में अगर आप काम शुरू करते हैं, तो इस बैरियर को खत्म करने में कितना समय लगा? जी खत्म करने में तो पूरे 4 साल लग गए, मतलब जब से वीडियो वायरल हुआ तब से ही ये सोसाइटी का बैरियर थोड़ा टूटा, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाता था तो लोग तो बस हंसते थे कि ये बस कैमरा लेके इधर उधर डोलेगा और कुछ नहीं करेगा, तो सोसाइटी बैरियर तोड़ने में तो मुझे 4 साल लग गए। और मुझे आज ये प्राउड होता है, खुद फील करता हूँ तो आज मुझे प्राउड होता है कि मैं सोसाइटी के बैरियर के मतलब बैरियर को मैं आज तोड़ चुका हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मुझे सोसाइटी ने कहा कि बस तू ये कर पढ़ाई कर, तुझे यूट्यूब में कुछ फ्यूचर नहीं है, तो मैं ये बात फॉलो नहीं किया, मैंने वो बैरियर तोड़ा और आज मैं अर्निंग भी कर रहा हूँ यूट्यूब से और फेम भी है और आगे मेरा एक मतलब बेस भी बन चुका है। जी तो यानी कि ये जो है यूट्यूब का जो पूरा जर्नी आपका वो बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग रहा है, बहुत ज्यादा चुनौतियों से भरा रहा है, और ऐसे में फैमिली का सपोर्ट हो, फ्रेंड्स के सपोर्ट हो, तो फिर आप एक माइलस्टोन को अचीव कर सकते हैं। तो हमारे साथ रिच फकीर के जो मशहूर रिच फकीर जो यूट्यूब चैनल है उनके जो क्रिएटर है वो मौजूद थे, और जैसा कि इन्होंने बताया कि इनका सफर काफी ज्यादा चुनौतियों भरा रहा है और काफी ज्यादा मुश्किलों का इन्होंने सामना किया है, लेकिन फिर भी एक जो माइलस्टोन था वो उन्होंने अचीव कर लिया है, 1 लाख सब्सक्राइबर फिलहाल जो है इनके यूट्यूब पर है। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिले हो, अगर आप भी ऐसा कुछ करियर बनाने का सोच रहे हो तो आप इस वीडियो से काफी ज्यादा मदद ले सकते हैं। और जहां तक बात है इस YouTube चैनल की रिच फकीर की, तो अगर आप इनके वीडियो पे जाइए, अगर आपको इनका कंटेंट पसंद आता है, इनकी कॉमेडी पसंद आती है, तो जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि इनके भी फॉलोअर्स बढ़ते रहे और आप भी एंटरटेन होते रहें। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।